एवरीवन, तो घर से निकले थे वीडियो बनाने के लिए। बात हो चुका था कि वीडियो बनाने जाएंगे। मेरा स्टूडेंट ही था एक, तो बोला कि साथ में चलेंगे, तो उसे वीडियो बना लेंगे अच्छा बड़ा से। पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि वो दूसरे जगह पे जा रहे हैं, कहीं गेस्ट हैं यहाँ पे। तो एनीवेज़ अकेला चलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना सफ़र जो किया हूँ अकेला ही किया हूँ, और ड्राइवरों से थोड़ी कतारी रोपना चाहिए। तो चलिए, आज हमें घूमने जाना है और आप लोगों को भी साथ में लेके जा रहा हूँ ना। तो आज हम लोग दासी पहाड़ घूमेंगे। हमारे घर तरफ जो है एक दासी पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे आज मेला लगा हुआ है क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो हर रक्षाबंधन को वहाँ पे मेला लगता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रक्षाबंधन का जो मेला है दासी पहाड़ में कैसे लगता है, लोग क्या क्या करते हैं वहाँ पे, क्यों वो जगह जो है इतना फेमस है। ये झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में प्रखंड है सिमरिया। सिमरिया से कुछ किलोमीटर, 15 समथिंग, कम ही होगा, उस 15 से ज़्यादा ही होगा शायद, में भी क्या अंदर घुसना पड़ता है। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को सभी ब्लॉग, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। ये देखिए, बाइक पे ही हूँ। क्या जी, ये मैं और ये मेरा हीरोइन, ठीक है, साथ में चलेंगे अभी, ठीक। ओके बाय, कंटिन्यू रहते हैं साथ में। तो हेलो एवरीवन, तो ये देखिए निकल चुके हैं, ठीक है, सफ़र जारी है। तो आधा घंटे के अंदर मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और सारा लाइव मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रास्ते का कुछ नज़ारा है जो आपको देखना चाहिए कि कितना मस्त है। चलिए, तो मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ओके बाय फिलहाल। हेलो, मैं अकेले ही जा रहा था, ठीक है, और प्लान तो अकेले ही था जैसा कि मैं शुरू ही बता चुका था, पर मैं अभी आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। रेडी, 1 2 3 टेंटे, ठीक है। जादू तो स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, स्कूल का, तो रास्ते में ही पढ़ता था, सोचे कि चलो ले लेते हैं, ठीक है, ये भी वहीं पे जाने वाला था, सोचे तो साथ ही चलते हैं, मेरा कंपनी भी हो जाएगा और मज़ा भी आप आएगा, ठीक है। तो सारा वीडियो बनाऊंगा, अभी शॉर्ट भी बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, और ऊपर में दस पार पे क्या हो तो बताएंगे नहीं, आप लोग सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। मज़ा आने वाला है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको झलक कहाँ मैं पहुँचा हूँ, ठीक है, तो बैक क्या वाला कैमरा से। ये देखिए, रास्ते में ही हूँ अभी, लगभग होगा 10 किलोमीटर और होगा ऑलमोस्ट। तो नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। ओके, तो देखने वाले लाइव। ओके, तो अभी ये रास्ता ख़त्म होगा मेन रोड, ठीक है, तो अब हम लोग वहाँ पे आ गए हैं जहाँ से इंटर किया जाता है, ठीक है, दासी पहाड़। तो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ बोर्ड। तो यहीं से इंटर करना है और यहीं से दासी पहाड़ जाया जाता है, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड मुड़ना है इसी मरे से आते समय, ठीक है, और हजारीबाग से आते समय राइट साइड मुड़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी इंटर करते हैं यहाँ पे। पकड़ो, तो गाइज ये आज ना क्राउड बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो बस आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है, और मज़ा लीजिए आज का ब्लॉग का। आज का ब्लॉग लंबा तो होने वाला है, ठीक है, पर बहुत मज़ा आने वाला है। स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग कर देंगे, ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए और मज़ा आएगा। दोनों साइड वाला किनारा आना चाहिए, ठीक है।
ऑफ करो। हेलो एवरीवन, तो पहुंच गए हैं फिर फाइनली और अब बस मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए रेडी, हाँ चलो अपना ले लो। अच्छा तो ये देख सकते हैं यहीं से आइसक्रीम दुकानें वगैरह सारा चीज़ शुरू हो गया है, ठीक है। सीधा करो कैमरा, हाँ। और गाड़ियाँ बहुत सारा यहाँ पे खड़ी हुई है, तो शायद पार्किंग का जगह यहीं पे है, यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। यहीं पे स्टॉपेज है, गाड़ी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है, तो चलिए यहीं पे पार्क करते हैं। पार्किंग प्लेस, पानी उन्हें गिरेगा तो फिर वो बैंडे बच जाएगा निकालने में। देख सकते हैं ऐसा पार्किंग प्लेस कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। कहाँ का झुरमुट में लगा दिया गया है, तो अभी हम भी यहीं पे लगाएंगे। चलो लो पकड़ो, गाइस ये है दासी पहाड़। तो अभी हाफ किलोमीटर डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो पैदल चलना है हम लोगों को, क्योंकि गाड़ी आगे ले जाने के जो परमिशन है वो नहीं देते हैं, ठीक है, क्या वहाँ पे प्लेस नहीं है, ठीक है, पार्किंग का, तो ब्लॉक हो जाएगा सारी चीज़ इसीलिए। तो चलिए अब आपको आगे की नज़ारा दिखाते हैं। तो थोड़ा सा टेंट दिख रहा है हमको, लगता है कि करीब आ गए हैं, सामने आ चुके हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, कुछ और डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। धूप ऐसा क्या हुआ, लगता है कि गर्मी का सीजन है। अरे चल, अरे घर में
इस बार कुछ और देखने को मिल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया हुआ रहता था पहले। पहले सिर्फ कुछ कुछ लगा हुआ था, दुकानें लगा हुआ करता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ हमें नज़र में आ रहा है। लगता है कि शाम तक ये रहेगा मेला, क्योंकि लाइटें वगैरह लगी हुई है, द्वार वार बना हुआ है। ये एंटर कर रहे हैं, ये देखिए मिठाइयाँ भर भर के हैं, यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उठा के। ठीक है, बहुत अच्छा खासा मेला भर लगा हुआ है और भीड़ भी, हमको क्राउड भी नज़र में आ रहा है इस वर्ष। बस यही करना था, ठीक है, और कुछ करेंगे। तो अधिकांश जो लोग हैं वो जाने पहचाने हैं, ठीक है, क्योंकि आसपास में ही, आसपास के गांव से ही लोग आए हुए हैं, टिकट हुए हैं। हाँ बाबू ले, बोल सकते हैं इस बार क्राउड है क्या, अच्छा खासा दुकाने का लगा हुआ। उसमें नहीं रहा, एक दूसरे रहता था, चना वना पकौड़ी उकड़ी तल रहा होता था, कुछ भी नहीं। और तो काफ़ी सारी दुकानें हैं, जितना भी पैसा लेकर आ जाए मेला, ठीक है, पैसा खत्म हो जाएगा पर मेला में सामान बस ले रह जाएगा।
यहाँ पे काफ़ी सारा बहुत सारा पानी रहता था, बहुत सारा, ठीक है, इधर से उधर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, पर इस वर्ष बारिश नहीं हुआ जिसके कारण पानी का लेवल जो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं है, ये पूरा जो था, ठीक है, पूरा भरा पड़ा रहता था।